प्रदेश की योगी सरकार भले ही लोगों को बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने की बात करती हो, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें खस्ता हाल हैं। आज भी कई सड़कें ऐसी हैं जिनमें ये पता लगाना मुश्किल है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। ये हाल तो तब है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने 15 जून तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कही है। जरा इस जगह को गौर से देखिए। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई तालाब है। जी नहीं, हम आपको बता दें कि ये गोरखपुर सिकरीगंज मार्ग है, जिसकी हालत सिकरीगंज बाजार में इतनी दयनीय है, अगर हल्की सी बरसात हो जाए तो ये खोजना मुश्किल होगा कि सड़क कहाँ है और कहाँ गड्ढा। यही हाल कई सड़कों का है जहाँ आपको चलने के लिए सड़क खोजना पड़ेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर 15 जून तक सड़कें गड्ढा मुक्त कैसे होंगी। लोगों का क्या कहना है, आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, जिस गति से कार्य हो रहा है उससे तो ये नहीं लगता है कि 15 जून तक ये कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन एक समय सीमा दी गई है, इसके बाद समय सीमा बढ़ाई जाएगी और 27 साल से जो कार्य नहीं हो रहे थे उसको होने के लिए थोड़ा समय माननीय मुख्यमंत्री जी को, यहाँ की जनता को देना चाहिए। और केवल आलोचना के लिए अगर आलोचना की जाए तो कार्य सुस्त रफ्तारी से हो रहा है, वरना गलियों तक में भी सड़कों को बनते हुए देखा जा रहा है और हम लोग संतुष्ट हैं और इसके लिए साधुवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। नहीं, 15 जून तक सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी यह कह लेना थोड़ी सी बेमानी होगी, लेकिन प्रयास जारी है और योगी जी का आदेश जिस तरह से तेजी से हुआ उसी तेजी से अधिकारियों को भी काम करना चाहिए था, लेकिन यद्यपि अधिकारी उतनी तेजी से काम नहीं कर रहे हैं जिससे 15 जून तक गड्ढे मुक्त होना, सड़कें जो है थोड़ा सा जो है जल्दीबाजी होगी। थोड़ा बहुत 40% कह लिया जाए काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी बहुत सड़कें हैं और उन सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में बहुत प्रयास करना होगा, बहुत समय लगेगा और विभागों को तन मन धन से काम करना होगा, तब जाकर योगी का आदेश जो है असर लाएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।